वेलकम टू माई चैनल गाइस। तो जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने मेरी बाइक में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। मैं जब भी इग्निशन ऑन करता हूँ तो मेरी जो बाइक है उसमें से बीप की आवाज़ आती है। तो गाइस, इसके लिए मैंने एक बीपर प्लस फ्लैशर खरीदा था अमेजोन से, जो मुझे पड़ा था 120 रुपये का। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो फ्लैशर कैसे इंस्टॉल किया है। तो गाइस मैंने ये फ्लैशर लिया अमेजोन से, अभी तक इसे खोला नहीं है। तो गाइस चलिए इसे मैं खोलता हूँ। गाइस मुझे इस टाइप में उनो मिंडा का फ्लैशर विद बजर मिला है। मैं इसे ओपन करता हूँ। नॉर्मली आपकी बाइक में जो भी फ्लैशर लगे होते हैं वो दो पिन के होते हैं, बट ये जो फ्लैशर है ये तीन पिन का है। गाइस आप देख रहे होगे इस पर लिखा है हैवी ड्यूटी उनो मिंडा, आप देख रहे होगे ये तीन पिन का है। गाइज आप देख रहे होगे एक पे लिखा है बी, यानी कि ये जो बैटरी का वायर है, उसके बाद में ये लिखा है एल, मतलब ये लोड का वायर है, और तीसरा है अर्थ, यानी कि अर्थिंग का वायर है। आपके बाइक में जो बाय डिफॉल्ट जो फ्लैशर्स लगे होते हैं उसमें ये जो अर्थ का जो पिन है ये नहीं होता है, सिर्फ बैटरी और लोड का पिन होता है। तो गाइज चलिए हम इसे क्विकली इंस्टॉल करते हैं। गाइज अगर आपकी ओल्ड बुलेट है तो आपका ये जो फ्लैशर है वो होगा सीट के नीचे, बट जैसे कि मैंने बताया था, मैंने मेरी बुलेट का जो वायरिंग है वो चेंज किया है और मैंने नई जो बुलेट्स की वायरिंग होती है वो डाली है, तो मेरा जो फ्लैशर है वो मेरे डिक्की में है। अगर आपका यूसी मॉडल है तो आपका जो बुलेट का फ्लैशर है वो भी आपकी डिक्की में ही होगा। तो गाइज चलिए मैं डिक्की खोल के दिखाता हूँ और मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि ये फ्लैशर हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइज ये है मेरे बुलेट का ओरिजिनल फ्लैशर, आप देख रहे होगे ये दो पिन का है। मुझे इस फ्लैशर को सीधा सीधा निकालना पड़ेगा यहाँ से। गाइज आप देख सकते हो ये है दो पिन का फ्लैशर, इसमें आप देखोगे एल और बी है, सिर्फ लोड और बैटरी का पॉइंट है। मैं अभी इसकी जगह पर मेरा जो नया वाला फ्लैशर है वो इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक वायर, ये है मेरी वायर। मैंने एक हॉर्न की पिन भी लाई थी, ये मुझे यहाँ पर अर्थ जो है वहां पर लगानी पड़ेगी। आप नॉर्मल तार भी बांध सकते हैं, बिकॉज एनीवेज ये अर्थिंग की वायर है तो ये कहाँ पर टच भी होती है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद ये जो सॉकेट था उसमें मुझे इसको लगाना पड़ेगा, और ये जो अर्थ की जो वायर है ये मुझे कोई भी जो बाइक का स्क्रू है उसे लगानी पड़ेगी। ये सॉकेट का ही स्क्रू था, इसे मैंने लूज कर दिया है, उसमें मैं ये तार जो है वो लगा देता हूँ और फिर हम चेक करेंगे कि जो फ्लैशर है ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ये तार जैसे कि मैंने बताया, अगर कहीं पर टच भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये अर्थिंग की ही तार है। आप या तो इसे डबल टेप से यहाँ पर चिपका सकते हो या फिर खुला छोड़ सकते हो। तो भाई चलिए मैं इग्निशन ऑन करके देखता हूँ। ये मेरी बाइक का इग्निशन, अभी हम इसे ऑन करेंगे। गाइज आपने सुना, जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूँ मेरे बाइक से आवाज़ आती है। उसके बाद अगर मैं इंडिकेटर ऑन कर रहा हूँ तो फिर भी बीप की आवाज़ आएगी। तो गाइज चलिए मैं इसे एक ढंग से फिट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको फिर से एक बार इसका डेमो देता हूँ। तो गाइज मैंने जो ये बीपर है उसे यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल कर दिया है। एक जो अर्थिंग की वायर थी वो मैंने स्क्रू से लगा दी है। मैंने उसको डबल साइडेड टेप से यहाँ पर चिपकाने की बहुत ट्राई किया, लेकिन वो बार बार निकल रहा है तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। गाइज ये जो फ्लैशर है आप देख रहे होगे, इस पर लिखा है टर्न सिग्नल रिले विद बजर। ये एक हेवी ड्यूटी वाला फ्लैशर है उनो मिंडा कंपनी से। आपको तो पता ही है कि उनो मिंडा जो कंपनी है वो अपने हॉर्न्स के लिए या फिर जो इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बाइक्स के, उनके लिए फेमस है। तो गाइज इस फ्लैशर में आप देख रहे होगे नीचे से यहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर दिया गया है जहाँ से बीप की आवाज आती है। आप मेक श्योर कि ये जो स्पीकर है आप जैसे कि मेरे बाइक का यहाँ पर एक होल है उसके पास में रखो, ताकि जो आवाज है वो बाहर आए। तो गाइज अभी चलिए देखते हैं लाइव डेमो कि जो बीपर है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। गाइज आप देख रहे हो कि यहां से अच्छी सी बीप की आवाज आ रही है। अगर मैं इंडिकेटर भी ऑन करूं तो जो बीपर है वो बज रहा है।
ये अभी इस बॉक्स में रहने के कारण इसमें से आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन अगर आपकी ओल्ड बुलेट है तो आप इस बीपर को यहाँ पर सीट के नीचे लगा सकते हो, बिकॉज आपका जो फ्लैशर होता है वो यहाँ पर आरआर यूनिट के बाजू में ही होता है। बट जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मेरी बुलेट में न्यू बुलेट की वायरिंग डाली है, तो मेरा जो फ्लैशर है वो मेरे बॉक्स में आ गया है। तो गाइज अगर मैं इस बीपर की प्राइस की बात करूँ तो इस बीपर की प्राइस है 141 रुपीज़, लेकिन मुझे ये अमेज़ॉन से 120 रुपये में पड़ा था। मैं उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहिए तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो गाइज ये था एक शॉर्ट वीडियो बुलेट के एक्सेसरी के बारे में। आई होप ये एक थोड़ी यूनिक से एक्सेसरी आपको पसंद आएगी। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो बुलेट के ओरिजिनल पार्ट्स है उनके साथ में खेलने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट ये जो फ्लैशर है ये मिंडा कंपनी का है, जो कि एक वेल नोन कंपनी है। प्लस आप कोई भी वायर को काट नहीं रहे हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं लगा रहे हो। तो गाइज़ आई होप मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।